हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इसमें हम ब्लॉग में रसोई में। तो आज पोटैटो से बहुत ही अच्छी डिश बनाने वाले हैं हम, पोटैटो स्लाइस। और जो सी हैवी सी डिश है, इसे पेट भी जल्दी भर जाएगा बच्चों का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और सॉस के साथ या चटनी के साथ इसे आप इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं 4। क्वान्टिटी आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा कैसे भी रख सकते हैं। तो इन्हें छीलना नहीं है, आलुओं को बस अच्छे से धो लिए हैं। और देखिए आप इस तरीके से आपको कट करना है, थोड़े बड़े बड़े पीसों में, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो देखिए दो भाग करके आलूओं के वापस से दो और भाग करें, और इन्हें तिरछे तरीके से ऐसे कट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। तो इस तरीके से सारे जो आलू हैं उन्हें कट कर लेना, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में। और इस तरीके से कट करने के बाद दोस्तों, हम इन्हें थोड़ा सा बॉईल पानी करने रखेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे पहले। तो इन्हें वॉश करने के बाद इन्हें गर्म पानी में करीब 75% हमें बॉईल करना है। तो देखिए पानी बॉईल करने रख दिया था, इसमें जो आलू हैं धुले हुए उन्हें डाल दिए हैं, और इन्हें अच्छे से बॉईल करके पकाएंगे। साथ ही देख सकते हैं एक बड़ा चम्मच लिया है मैदा, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इनमें डाला है थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक, साथ ही ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है। सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक डो तैयार कर लेंगे। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इतना कि जो आलू है हम तो डिप करके इसे अच्छे से तल सकें, इतना ही हमें गाढ़ा रखना है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से एक जो घोल है तैयार कर लीजिए। और देखिए आलू में पानी में बॉयल आ रहा है, तो इन्हें बॉयल होने देते हैं जब तक कि बढ़िया से बॉयल ना हो जाए, ये पूरा कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इस तरीके से बॉयल करेंगे, और देख सकते हैं आप बढ़िया से ये बॉयल हो गए हैं आलू। इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है, इनका पानी अलग करके अच्छे से, और एक बर्तन में इस तरीके से रख लेंगे फ्रेंड। और इसमें देख सकते हैं ऊपर से मैंने थोड़ा सा, या तो आप चावल का आटा भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो कॉर्नफ्लोर लगा लीजिए। और इस तरीके से डिप कीजिए घोल जो बना के रखा है, और इन्हें गरम तेल में इस तरीके से आपको तलना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे तरीके से तल के तैयार हो गए, इतने क्रिस्पी बने थे। और ये और सॉस या हरी चटनी के साथ आप एंजॉय कीजिए इन्हें, खाइए और बताइए कमेंट में कि कैसी लगी आपको रेसिपी। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली चीज़ है, आप चाहें तो बच्चे को लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बनाइए इन्हें, और सभी को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, देख सकते हैं कितने क्रंची दिख रहे हैं फ्रेंड, और बहुत अच्छे बने खाने में, और सभी ने बहुत मन भर के खाए। बहुत सारे बनाए मैंने सभी के लिए घर में, और सभी को बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड।